हेलो दोस्तों, आज हम आपको वीवो Y71 की डिस्प्ले चेंज करना सिखाएंगे। वीवो ओप्पो के सभी फ़ोन की डिस्प्ले आप खुद बदल सकते हैं। आप सारा प्रोसेस घर खुद कर सकते हैं। आप होलसेल शॉप से डिस्प्ले चेक करके ले आएं और इस तरीके से खुद घर पर ही चेंज करें। आसान सा फंडा है, इससे आप लोग 400 से 500 तक बचा सकते हैं। टेक्नीशियन भाई लोग आपसे 400 से 500 रुपया रखते हैं डिस्प्ले की फ़िटिंग का, आप उसको बचा सकते हैं। सिंपल सा काम है, पहले इसका ढक्कन बैक ढक्कन उतार दो, फिर आपके पास एक्स्ट्रा पेपर होगा घर पर। एक्स्ट्रा पेपर से इसको सेपरेट कर लो डिस्प्ले को। पहले इस पर हीट लगा लो, हेयर ड्रायर से हीट लगा लो, हेयर ड्रायर भी सबके पास होती है, और एक्स्ट्रा पेपर से इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट करने के बाद इसको जो इस पर पहले ग्लू लगी होती है उसको साफ़ कर लो। वीडियो देखो और आपको सब पता चल जाएगा। इसको साफ़ कर लो अच्छे से। साफ़ करने के बाद आप जो डिस्प्ले होलसेल की शॉप से लाओगे उसे चेक करके लाना है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती। चेक करके लाकर इसको अब लगा देना है। पहले ग्लू से नहीं फिट करना, ऐसे ऊपर रख दो और इसका जो बैक जैक है उसको बोर्ड पर लगा दो। बैटरी फिट करो और इसको जो ऊपर का कवर होता है इसको लगा दो, पेच कस दो। मैंने वीडियो फास्ट की है, आप समझ रहे होगे। अब इसका बैक ढक्कन लगाना है, डिस्प्ले को उठाकर लगाना है, नहीं तो डिस्प्ले टूट जाएगी। लगाने के बाद अब इस पर इसको उठा लेना डिस्प्ले को। अब ग्लू लगाओ जी, इसी तरीके से अच्छी से ग्लू लगा लेना है। ग्लू आप बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं लगानी और कम भी नहीं लगानी, ज़्यादा लगाने से बाहर आ जाएगी सारी। हाँ, अब इसको लगा कर अच्छे से ऊपर रबड़ डाल देनी है। रबड़ से क्या होगा कि जो डिस्प्ले है वो नीचे क्रोम के साथ अच्छे से जुड़ जाएगी। इसको 2 से 3 घंटे ऐसे ही रखना है रबड़ डालकर। अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो जी,